दिमाग में तनाव से लिंग में कठोरता नहीं आना, इसके बारे में बातचीत करने वाला मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ ऑडियो वीडियो कॉल से लोग कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, कॉमेंट्स देते रहते हैं वीडियोज़ में, यूट्यूब के वीडियोज़ में और बाकी भी जगह। हमारे ऑनलाइन जूम कॉल्स होते हैं, उसमें लोग पूछते रहते हैं सवाल, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। सवाल यह था कि दिमाग के टेंशन से कैसी क्या लिंग में कठोरता निकल जाती है। क्या है कि सेक्स सिस्टम, सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेक्स साइकोसेक्सुअल सिस्टम जो है, ये पूरी ऐसी है कि दिमाग में थॉट्स आना जरूरी है। ब्रेन में भेजे में अपने मन में सेक्स के थॉट्स आना जरूरी है। और वो जब थॉट्स आते हैं तो थॉट्स के साथ साथ इमोशंस भी आते हैं, और जब इमोशंस आते हैं एक डिज़ायर पैदा होती है, और वो डिज़ायर जो है उसका पूरा कम्युनिकेशन थ्रू नर्व्स लिंग के तरफ जाता है। मतलब डिज़ायर यहाँ होती है, इरेक्शन का ऑर्गन अलग है। वहाँ जब कम्युनिकेशन जाता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो लिंग के अंदर घुस जाता है। वो क्यों घुसता है, क्योंकि लिंग के अंदर एक ऐसा वैक्यूम तैयार हो जाता है, और वैक्यूम तैयार होने से वो वैक्यूम ब्लड को खींचता है अंदर। तो ये सब प्रक्रिया जो है, इसके लिए सबसे पहली स्टेप जो है वो कौन सी है कि दिमाग में विचार तैयार होना। और समझो विचार आपके दिमाग में है कि तनाव के विचार है, टेंशन है, होगा नहीं होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा लॉस हुआ, कोई पटा नहीं किसके साथ में, अनबन हो गई, काम का टेंशन है, बॉस ने झाड़ दिया, नौकरी से निकाल दिया, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पति पत्नी की नहीं पट रही है, पत्नी के बारे में मन में और कुछ कुछ ख्याल आते जा रहे हैं, पत्नी के बारे में डाउट आ रहा है, ऐसे कुछ भी विचार दिमाग में जी रहे हैं, तो फिर सेक्स के विचार आने को जगह कहाँ है। वो पूरी आपकी ब्रेन की जगह प्री ऑक्यूपाइड है। कौन से विचारों से, टेंशन के तनाव से विचारों से है। तो फिर जो पहली रिक्वेस्टेड कंडीशन है सेक्स होने के लिए, पहली रिक्वेस्टेड कंडीशन ये है कि दिमाग खाली होना। शादी के पहले ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये शादी के बाद का भी, मगर शादी के पहले, जैसा एक लड़का मेरे पास में आया था, उसका आया था कि अभी तक मैं 15 डॉक्टर के, उसमें मेरे पास में फाइल के फाइल, फाइल के फाइल ला के रख दिया गट्ठे, और सब डॉक्टरों ने मुझे सब तरह का इलाज किया बोले, और कहीं भी फायदा नहीं हुआ, आप 16वें डॉक्टर है, 16th। तो मैंने बोला उसको, फिर तुम्हें शादी हो गई कि तुम्हारे, बोले नहीं शादी तो नहीं हुई। बोला ये डॉक्टर लोगों ने क्या किया, बोले दवाई दिया और बोले जाके टेस्ट करके आ जाओ। बोला आप टेस्ट करके जाएंगे तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि ये टेस्ट करने लायक कोई बात है नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने गोली खाया खटाक से इरेक्शन हो गया, जाके काम कर दिया वापस आ गया, ऐसा नहीं होता है। गोली खाने से इरेक्शन नहीं आता है, गोली खाने से इरेक्शन सस्टेन रहता है, जल्दी निकलता नहीं है, और ब्लड अंदर घुसने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा देर तक चलती रहती है। उसके लिए पहले, मतलब सेक्स की दवा काम करने के लिए सबसे पहले जरूरी जो है वो है दिमाग में विचार आना। और वो विचार आएंगे सेक्स थॉट्स, तो सेक्स इमोशंस होंगे, सेक्स डिजायर होंगे, और बाद में सब होंगे। तो जो जो टेस्ट करने के लिए जाता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि जब टेस्ट करता है तो ख्याल कहाँ रहता है, उसका अटेंशन कहाँ रहता है, अटेंशन इज ऑन ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन, पेनिस, लिंग के ऊपर अटेंशन रहता है। आपका अटेंशन कहाँ होना चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए सामने वाले पार्टनर के ऊपर, वो एंजॉय करना है, आप पार्टनर को सुख देना है, उसको एक्साइट करना है, उसको स्टिम्युलेट करना है, उसको सुख देना है, और साथ साथ अपन ने भी लेना है। ये करते करते ऑटोमेटिक इरेक्शन आता है, इरेक्शन आदि की प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, वो अपने कंट्रोल में है नहीं। तो कंट्रोल में है नहीं तो आप उसके तरफ देखेंगे देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये पैराडॉक्सिकल है, जितना आप अटेंशन देंगे सेक्स के ऊपर उतना सेक्स नहीं आता है। तो मतलब मैं आपकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, आप कृपया मेरे यहाँ से और कहीं जाइए, क्योंकि आप अभी 16वें डॉक्टर, 16th डॉक्टर मैं हूँ, मैं भी दवा दूंगा ना, आप भी ऐसे ही करेंगे, और कहीं टेस्ट करने चले जाएंगे, और टेस्ट करने जाएंगे तो होने वाला है नहीं। फिर उसने बोला फिर करना क्या है, मैंने बोला आप ऐसा करो कि अभी शादी कर डालो। नहीं, बोले शादी किया और वो लड़की भाग गई तो हुआ नहीं। तो मैंने बोला शादी करने के बाद में यदि लड़की ऐसी मिली कि नहीं बिल्कुल आज के आज करो तो वैसे होने वाला है, मगर लड़की यदि समंजस है, समझदार है, वो रुकने वाली है, शांतता से लेने वाली है, तो रुकेंगे, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो फिर कैसा होगा, नहीं तो फिर मैंने आपकी जो फ्रेंड है उसको आप साथ में लाओ, लिविंग रिलेशनशिप में रहो, मैं आपको 10-12 दिन का एक पूरा काउंसलिंग का कोर्स देता हूँ, वो कोर्स में आपने मेरे पास में आना है, रिलेशनशिप रखना है, मेरे पास में आना है, रिलेशनशिप रखना है, वैसा करो। क्योंकि आप जब तक टेस्ट करने जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी
दोनों पार्टनर की जरूरत है, उसको मैं समझाऊंगा, किसको, वो लेडी पार्टनर को, कि भाई तुमने इसके ऊपर डिमांड डाल दिया कि काम नहीं होगा। जब डिमांड डाला जाता है स्त्री के तरफ से पुरुष के ऊपर, मतलब पुरुष का दिमाग यदि पूरा भरा हुआ है कि अभी कैसा करूँ कि नहीं करूँ कि, तो ये होने वाला कार्यक्रम है नहीं। तो उसको मैंने बोला एक तो दो में से एक ही है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में हो तो उसको लेके आ जाओ, साथ में रहो, यहाँ हमारे यहाँ रहो, होटल में रहो, कहीं भी रहो, और नहीं तो फिर शादी कर लो, समझदार लड़की रहेंगी तो नहीं भागेगी, ना समझ रहेंगे तो जल्दी भागेंगी, वो तो बिल्कुल पूरा चांस है। तो फिर वो समझ गया, उसने बोला ठीक है मैं आपके तरफ से इलाज करने को तैयार हूँ और मैं ऐसा टेस्ट करने जाऊँगा नहीं। मैंने बोला पहला ही मेरा क्राइटेरिया ये है कि टेस्ट करने जाने का नहीं। तो ये बहुत महत्व का है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।